भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टी20 आज, दो साल में पहली बार सीरीज हारने का खतरा। तेवतिया कर सकते हैं डेब्यू और नवदीप सैनी को भी मिल सकता है मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथा टी20 मुकाबला गुरुवार शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम ये मैच जीतती है तो वो पिछले दो साल में भारत को किसी द्विपक्षीय टी20 सीरीज में हराने वाली पहली टीम बन जाएगी। भारत को फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हार मिली थी। इसके बाद से भारत लगातार 6 टी20 सीरीज में अजेय रहा है। इस मुकाबले के लिए विराट कोहली प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव करते हुए नजर आ सकते हैं। भारत के पिछले दो मुकाबलों में अगर बात करें तो बतौर पेसर भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया था। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने तीसरे पेसर की भूमिका निभाई थी। इन तीनों गेंदबाजों की स्पीड 130 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहती है। दूसरी ओर दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर जैसे फास्ट गेंदबाजों को उतारने का फायदा मिला है। दोनों ही 145 किलोमीटर प्रति घंटा की से अधिक की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं। और ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर के स्थान पर नवदीप सैनी को मौका दे सकती है। सैनी दोस्तों 140 से ऊपर की रफ्तार से गेंद फेंकने में सक्षम है। और बात करें चहल की तो दोस्तों, यहां पर चहल की जगह पर हो सकता है कि यहां पर राहुल तेवतिया को मौका मिले, क्योंकि दोस्तों चहल का जो है वो प्रदर्शन अभी कुछ खास नहीं रहा है शुरुआती तीन मैचों में। शार्दुल ठाकुर लॉ ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाज भी हैं, अगर वे बाहर होते हैं तो निचले क्रम में बैटिंग में समर्थ गेंदबाज की जरूरत होगी। राहुल तेवतिया ये भूमिका बखूबी निभा सकते हैं। इस स्थिति में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को बाहर बैठना पड़ सकता है। तेवतिया को दोस्तों मौका मिला तो वे सीरीज में डेब्यू करने वाले तीसरे भारतीय बन जाएंगे। और उनसे पहले ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने दूसरे मैच में डेब्यू किया था। दोस्तों, राहुल तेवतिया की जहां तक बात है, हम सभी जानते हैं कि राहुल तेवतिया ने पिछले साल आईपीएल में क्या कमाल करके दिखाया था। यहां पर पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए यहां पर दोस्तों उन्होंने शेल्डन कॉटरेल को 5 छक्के जड़े थे एक ओवर में। तो दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी और गेंदबाजी भी वो अच्छी करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर राहुल तेवतिया को मौका मिल सकता है। दोस्तों, भारत ने दोस्तों 3 मैचों में पावर प्ले में कुल 18 ओवर में 96 रन बनाए हैं और 7 विकेट गवाए हैं। वहीं फिर दोस्तों बात करें इंग्लैंड की, तो दोस्तों इंग्लैंड ने 18 ओवर में 2 विकेट खोकर 151 रन बनाए हैं। तीसरे मुकाबले में भारत ने पावर प्ले के 6 ओवर में सिर्फ 24 रन बनाए थे और 3 विकेट गवा दिए थे। वहीं पर इंग्लैंड ने 57 रन बनाए और केवल 1 विकेट गवाया था। दोस्तों, दूसरे टी20 में भारत का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा। उस मैच में भारत ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 50 रन बनाए थे, वहीं पर इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 44 रन बनाए थे। पहले मैच में भारत ने 6 ओवर में 22 रन बनाए थे और 3 विकेट गंवाए थे, वहीं पर इंग्लैंड ने 50 रन बनाए थे बिना किसी विकेट को खोए हुए। तो दोस्तों, अब बात करें पहले बैटिंग करते हुए 180 प्लस का स्कोर बनाना जरूरी होगा। दोस्तों, इस सीरीज में अब तक टॉस की भूमिका काफी अहम रही है। तीनों मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम हारी है। भारत ने पहले और तीसरे टी20 में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 124 और 156 रन का स्कोर खड़ा किया था। वहीं पर इंग्लैंड ने दूसरे मैच में 164 का स्कोर बनाया था। यानी पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर टीमों को होड़ में बने रहना है तो 180 प्लस का स्कोर बनाना ही होगा, इसके बावजूद जीत की गारंटी नहीं होगी। तो अगर आप टॉस हार जाते हैं तो आपको 180 प्लस का स्कोर बनाना ही होगा, क्योंकि दोस्तों रात में हल्की सी ओस से बल्लेबाजी जो है वो आसान हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में यहां पर ये रहेगा टॉस का सीन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों बात करें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, दोस्तों इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में हमें कुछ बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। सेम प्लेइंग 11 के साथ में शायद टीम जो है वो उतरेगी, जहां पर दोस्तों जेसन रॉय, जॉस बटलर ओपन करेंगे, इसके बाद में डेविड मलान, इसके बाद में 4 पर बेयरस्टो, 5 पर मॉर्गन, 6 पर स्टोक्स, 7 पर सैम करन, 8 पर दोस्तों क्रिस जॉर्डन, 9 पर जोफ्रा आर्चर, 10 पर मार्क वुड और 11 पर आदिल रशीद खेलेंगे। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे भारतीय टीम प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से रोहित शर्मा और केएल राहुल जो है वो ओपन करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर दोस्तों तीसरे मैच में हार के बाद में जब कोहली से केएल राहुल की मतलब इस तरह के प्रदर्शन के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने केएल राहुल को पूरा सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि केएल राहुल हमारे टी20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और उन्होंने ऐसा कई बार करके दिखाया, तो हम यहाँ पर हमारे जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन उसके साथ ही जाएंगे, जहाँ पर रोहित के साथ में राहुल ही ओपन करते हुए आएंगे। तो दोस्तों यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने एक मतलब साफ संदेश साथ दे दिया था कि केएल राहुल उनके फर्स्ट चॉइस ओपनर रहने वाले हैं चौथे मैच में भी। इसके बाद में दोस्तों
नंबर तीन पर ईशान किशन खेलेंगे, नंबर चार पर विराट कोहली, नंबर पांच पर ऋषभ पंत, नंबर छह पर श्रेयस अय्यर, नंबर सात पर खेलेंगे दोस्तों हार्दिक पांड्या, नंबर सात पर खेलेंगे दोस्तों हार्दिक पांड्या, नंबर आठ पर खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर, नंबर नौ पर खेलेंगे भुवनेश्वर कुमार, नंबर दस पर खेलेंगे नवदीप सैनी और नंबर ग्यारह पर राहुल तेवतिया या युजवेंद्र चहल में से कोई एक खेलेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह की प्लेइंग इलेवन जो है वो रहने वाली है भारतीय टीम की, जहां पर दोस्तों यहां पर राहुल तेवतिया को और नवदीप सैनी को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्लेइंग इलेवन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और दोस्तों क्या भारतीय टीम जीत पाएगी चौथा टी20 मुकाबला और कर पाएगी सीरीज को 2-2 से बराबर, तो क्या इस पर अपनी राय जरूर दे दो। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज अड्डा। थैंक यू।